अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय। आपका सवाल अपने लबों से, गम में गम हो तो कुछ गम नहीं, गम में गम हो तो कुछ गम नहीं, खुशी में गम हो तो क़यामत से कम नहीं। आज सारे आलम में इस कोरोना महामारी एक वबा फैली हुई है और इसी तरीके से हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर भी ये वबा फैली हुई है। दर्द भरे दिल के साथ, अफसोस सद अफसोस के साथ रमज़ानुल ईद मुबारक बात देते हुए आज भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा स्टेट चंद अहम बात कहना चाहती है। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, केंद्र सरकार पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, अफवाहें फैलाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है ताकि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को कुछ मदद की नहीं है करकर, आज भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा जो केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश के लिए जो जो स्कीम्स दिया गया है वह आपके सामने तफसील के साथ बयान करने का काम कर रही है। आंध्र प्रदेश को रेमडेसिविर इंजेक्शंस 2,35,000 आंध्र प्रदेश को केंद्र सरकार दी गया है और इसी तरीके से ऑक्सीजन 12 मेट्रिक टन दिया गया है और इसी तरीके से हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर 23 पार्लियामेंटी में ऑनलाइन ऑक्सीजन का प्लांट का टेंडर बुलाया गया है और इसी तरीके से 15 फाइनेंस जो जून के महीने में यह बजट दिया जाता है। आज केंद्र सरकार इस कोरोना महामारी के मद्देनज़र रखते हुए लगभग 21-22 पहला बजट हमारे आंध्र प्रदेश को ग्राम पंचायती तरक्की के लिए 387.8 CR दिया जा रहा है और इसी तरीके से कई मदद भी किया गया है। आज ये जो आंध्र प्रदेश की YSRCP की पार्टी के हुकूमत से, इस सरकार से आज भारतीय जनता पार्टी सवाल कर रही है, जो तुम लोग अवाम के लिए किया तो क्या किया? 1,600 CR जो ऑक्सीजन जो वैक्सीन के लिए जगनमोहन रेड्डी साहब से पैसा मांगा जाए तो उन्होंने झूठे बयानात के साथ इनकार कर दिया ताकि ऑक्सीजन के वैक्सीन के लिए पैसा ना लगे और इनकी गवर्नमेंट MPO ने, MLO ने, मिनिस्टरों ने नवरत्न के नाम से, अम्मा वड़ी के नाम से, बाबा वड़ी के नाम से, दादा वड़ी के नाम से पैसा उड़ाने का काम कर रहे हैं, अवाम को बहकाने का काम कर रहे हैं। इसके सिवा अवाम के तरक्की के लिए कुछ काम करने का नतीजा नहीं मिला और इसी तरीके से हमारे शहर कदरी के अंदर हमारे MLA सिद्धा रेड्डी साहब ने एक हफ्ता पहले झूठे बयान दिया गया है ताकि हमारे इस सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, दवाखाना के अंदर 100 बेड के साथ 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 100 ऑक्सीजन लगाया गया है और 30-40 से स्टाफ काम कर रही है और मुकम्मल तौर पर सब इन लोगों का, गरीबों का, मिस्किनों का, लाचारों का इलाज के लिए इंतज़ाम है कर झूठे बयानात किए। और भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा इस शहर कदरी हॉस्पिटल के अंदर, दवाखाने के अंदर तहकीक करने के बावजूद पता चला कि एक हफ्ता पहले इन लोगों ने
80 बेड के साथ 80 ऑक्सीजन का लगाने का काम किए और स्टाफ के अंदर मुकम्मल तौर पर डॉक्टर्स और स्टाफ दवाखाने में कोई भी है ही नहीं। और इसी तरीके से ना कोई मटेरियल है, ना कोई खाने का इंतज़ाम है। इस शहर कदरे के अंदर हर जगह जगह मौत के चीखें गूंज उठ रहे हैं। इस YSRCP पार्टी, माइनॉरिटियों की पार्टी कहलाने वाली पार्टी, आज तक कोई माइनॉरिटियों का पूछने का काम नहीं किया और इन लोगों पर हमदर्दी जगाने का भी काम नहीं किया। ऐसे लोगों पर अफसोस है, सद अफसोस है। आज भारतीय जनता पार्टी इस नाकाम MLA को इस्तीफा करने का, मुकम्मल तौर पर इस्तीफा करने के लिए डिमांड कर रही है, मांग कर रही है। और इसी तरीके से हमारे आंध्र प्रदेश हुकूमत YSRCP वजीर आला जगनमोहन रेड्डी साहब से भी हम पूरी भारतीय जनता पार्टी स्टेट आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी मोर्चा इस्तीफा देने का डिमांड कर रही है। और इसी तरीके से हमारे माइनॉरिटी मुस्लिम्सों को जितना जो आजू बाजू के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कई तंजीमें मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, कई लाखों करोड़ों रुपये का इस महामारी लॉकडाउन के अंदर अनाज देने का काम कर रहे हैं, और यहाँ के YSRCP के रहनुमाओं अनाज के दुश्मन हो गए, अखल के दुश्मन हो गए हैं। बस मुसलमानों का कोई पूछपाछ करने वाला नेता नहीं निकला। आज भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा आज ये कितनी ही आवाज़ बुलंद के आवाज़ के साथ आज कह रही है। आज हमारे वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने हमारे भारत देश के अंदर 130 करोड़ अवाम का इन लोगों का इंतज़ाम कर इन लोगों की जिम्मेदारी ली हुई है। ये नरेंद्र मोदी आज इस वबा में नरेंद्र मोदी जी साहब नहीं होते, अगर से इनके जगह में कोई कांग्रेस की पार्टियां होती तो इस देश बर्बाद हो जाता। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी आज माइनॉरिटी मोर्चा मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने का काम कर रही है, ताकि आने वाले दिनों में माइनॉरिटी मोर्चा, मुस्लिम्स माइनॉरिटी मोर्चा माइनॉरिटियों के लिए काम करे। और इसी तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का सवाल हमारे माइनॉरिटी मोर्चा के जरिए मिला होगा कर। बस अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, जय हिंद।